हेलो गाइस, हाउ यू ऑल, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कोड बायोमास। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मल्टीपल हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में। ओके गाइस, सबसे पहले बात करूंगा आइसोटोन कंपनी के बारे में, देन बात करूंगा विप्रो के बारे में, देन बात करूंगा मैं आपसे इंडिया मार्ट के बारे में, इसके बाद बात करूंगा गूगल के बारे में, एंड सबसे आखिरी में बात करूंगा ब्लॉग वॉल्ट के बारे में। ओके गाइस, सो मल्टीपल हायरिंग इस वीडियो में होने वाली है, सो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो लेंदी नहीं करूंगा, बहुत कम टाइम में आपको सारी डिटेल बता दूंगा मैं। ओके, सो इनके बारे में बात करने से पहले चलता हूँ एक बार अपने चैनल पे। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर दे जिससे कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए फ्री कोर्सेज, जॉब्स एंड इंटर्नशिप एंड कोडिंग ट्यूटोरियल्स लाता रहता हूँ। ओके गाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे, मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने में। तो चलिए बात कर लेते हैं। सो कंपनी का नेम यहाँ पे मेंशन किया गया है, देन यहाँ पे इन्होंने रोल बता दिया है, ट्रेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर। ओके, एंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है, वी आर लुकिंग फॉर टैलेंटेड इंडिविजुअल टू ज्वाइन आवर गुरुग्राम ऑन साइट टीम एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स। ओके, एंड यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है बी टेक एम टेक इन कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके गाइज, तो आप पे बी टेक या फिर एम टेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बताए हुए हैं, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस और जावा स्क्रिप्ट। ओके, टेक्नोलॉजीज में इन्होंने बता रखा है एच टी एम एल, सी एस एस एंड फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट और एंगुलर। ओके, डेटा बेस में इन्होंने बताया है एस क्यूएल, नो एस क्यूएल। ओके, देन वर्जन में इन्होंने बता रखा है गिट। ओके, गिट कंट्रोल वर्जन आपको आना चाहिए। तो एप्लीकेशन की जो डेडलाइन होने वाली है वह 30 अक्टूबर 2024। ओके, सो जल्द से जल्द अप्लाई कर दे, मिस ना करे, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है फ्रेशर्स के लिए। ओके गाइज, तो सब आपको रीड कर लेना है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आपको जाना है, लिंक पे क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि सभी अपॉर्चुनिटीज फ्रेशर्स के लिए होने जा रही है। ओके, सो यदि आप एक फ्रेशर है, 2024 में पास आउट हो चुके हैं, यहाँ पे 2025 में पास आउट होने वाले हैं। ओके, सो जरूर से अप्लाई कर दे इसमें, तो यहाँ पे आपको डिटेल फिल करके अप्लाई कर देना है। ओके गाइज, देन चलिए बात कर लेता हूँ नेक्स्ट हायरिंग के बारे में। सो ये होने जा रही है विप्रो की तरफ से। ओके, सो विप्रो ने अपनी हायरिंग दोबारा से स्टार्ट कर दी है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है विप्रो लिमिटेड इनवाइट्स यू टू सुपर सेट टू अप्लाई फॉर इट्स इलाइट एक्सक्लूसिव हायरिंग 2024 पोजीशन। ओके, कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई। ओके, डेडलाइन यहाँ पे होने वाला है इनका 30 नवंबर 2024। ओके, सो अभी इसमें टाइम है, बट मैं कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप इसमें अप्लाई कर दें। सो मैं एक बार आपको आइडिया दे देता हूँ इसमें अप्लाई कैसे करना है। सो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है स्टार्ट रजिस्ट्रिंग। ओके, सो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो जैसे ही आप यहाँ पे ईमेल डाल के नेक्स्ट करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन आ जाएगा, एग्जिस्टिंग अकाउंट का, यदि आपने पहले से इस पर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, सो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं लॉग इन करके। यदि आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है तो फर्स्टली आपको इस पर रजिस्टर करना होगा, देन आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ओके गाइज, तो इस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसे भी आप एक बार चेक कर लें। देन चलिए बात कर लेता हूँ इंडिया मार्ट के बारे में, जो कि हायर कर रहा है एक इंटर्न को। ओके, सो ये भी एक गूगल फॉर्म होने वाला है, आपको सारी डिटेल फिल करके अप्लाई कर देना है, मिस नहीं करना है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन चलिए बात कर लेता हूँ नेक्स्ट, गूगल की तरफ से हायरिंग होने जा रही है, रोल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, ग्रेजुएट 2025, तो स्पेशली ये 2025 बैच के स्टूडेंट के लिए होने जा रहा है, जो 2025 में पास आउट होने वाले हैं, तो इसमें अप्लाई कर दे। लोकेशन आपका हो जाएगा गुड़गांव, हरियाणा, हैदराबाद, कर्नाटका। ओके, अपडेटेड ऑन 30 अक्टूबर 2024, ठीक है, 30 अक्टूबर पे पोस्ट करा गया है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए, तो मिस ना करें, अप्लाई कर दें, यहाँ पे इन्होंने डिटेल दी गई है, सब देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई है यहाँ पे सारी, ये सब आपको रीड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट में इन्होंने बता रखा है बैचलर डिग्री, ठीक है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में ही होना चाहिए आपको, देन यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज, मैक ओएस, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मशीन लर्निंग, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन यहाँ पे आपको लैंग्वेज आनी चाहिए सी, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। ओके गाइज, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जॉब लोकेशन, सैलरी, ठीक है, सैलरी इन्होंने नहीं बताई है अभी, वर्क डिटेल बताया हुआ है, जॉब टाइप बताया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पर्क्स बता रखे हैं, तो सब आपको रीड करके इसमें अप्लाई कर देना है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है फ्रेशर्स के लिए। ओके गाइज, देन चलिए बात कर लेता हूँ ब्लॉग वॉल्ट के बारे में, ये हायर कर रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्नशिप। ओके, सो ये एक इंटर्न को हायर कर रहा है, लोकेशन आपका हो जाएगा बैंगलोर, अपडेटेड ऑन 28 अक्टूबर 2024 को पोस्ट की गई है ये। ओके, एंड यहाँ पे जॉब डिटेल इन्होंने दे रखी है, सब आपको रीड कर लेना अच्छे से, यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया बता रखा है, क्राइटेरिया में इन्होंने बोला है बीई, बीटेक, बीसीए, एमसीए कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एज वेल। ओके, एंड यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ यू मस्ट बी ग्रेजुएटिंग इन 2025 और मस्ट हैव ग्रेजुएटेड इन 2024, ठीक है, सो ये सारी हायरिंग 2024 और 2025 बैच के लिए है, सो अप्लाई कर दे, मिस ना करे, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, एंड बहुत सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने बता रखी है, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कोडिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कोई बैकलॉग नहीं होने चाहिए आपके,
परसेंटेज आपका कम से कम एवरेज होना चाहिए 50%। ओके, एंड यहाँ पे इन्होंने और भी चीज़ बताई हुई है, सो आप देख लीजिए। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है इंटर्नशिप डिटेल के बारे में, ड्यूरेशन आपका होगा 3 to 6 months का। ओके, स्टाइपेंड यहाँ पे होगा 20,000 पर मंथ। यदि आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं इंटर्नशिप में, तो आपके फुल टाइम जॉब भी ऑफर कर देंगे, जिसमें एनुअल पैकेज आपका होगा 6 LPA to 8 LPA। ओके, यहाँ पे इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई है, राइट क्लीन एफिशियंट कोड, रिव्यू एंड आइटरेट ऑन कोड, डिबग एंड ट्रबल शूट। ओके, देन रिक्वायरमेंट में इन्होंने बता रखा है नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेसिक, प्रोफिशियंसी इन एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फैमिलियरिटी विद वर्जन कंट्रोल लाइक गिट। ओके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा बेसिस, गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ मैंने बता रखी है, सब आपको रीड करके इसमें अप्लाई कर देना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज। एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर क्लिक कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे, कमेंट कर दे वीडियो अच्छी लगी हो तो। ओके, तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।